Today's topic is dimensions of physical quantities. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे इसको समझने की कोशिश करते हैं दैट वॉट इज बेसिकली डायमेंशंस हैज टू डू विथ फिजिक्स. सी इन फिजिक्स वी आर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट. ओके, और मेजरमेंट के लिए हमने अलग अलग तरीके देखे, फिर एरर इन मेजरमेंट पढ़ा, राइट, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, ये सब पढ़ा. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था, दैट इज़ यूनिट्स. तो मैंने तुम्हें बताया था कि यूनिट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. यूनिट्स दो टाइप के होते हैं, लेट मी टेल यू. तो ये जो यूनिट्स होते हैं या क्वांटिटीज होती है, दे आर ईदर फंडामेंटल, देर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स, और दे आर डिराइव्ड. ठीक है, एंड देर आर यू कैन से थाउजेंड्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स. तो फंडामेंटल क्वांटिटी सेवन है और उनके फंडामेंटल यूनिट्स है जो सेवन है. ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर हम बोले तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लूमेंस इंटेंसिटी, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेवेंथ वन जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट देन देर वॉज सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, रेडियन एंड स्टेरिडियन, ये आई थिंक सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, या सो वॉट एवर इट इज. तो बेसिकली क्या है कि ये जो तुम्हारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके फंडामेंटल यूनिट्स थे, जैसे कि मास का था किलोग्राम, लेंथ का था मीटर, टाइम का था सेकेंड, करंट का था एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का था मोल, लूमिनस इंटेंसिटी का था कैंडला, सी डी. ठीक है, सो आई थिंक एक क्वांटिटी मैं भूल रहा हूँ, बट या मोर और लेस हमने ये क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी तक पढ़ ली है. बट देर इज वन मोर थिंग विच इज रिमेनिंग, दैट इज बेसिकली डायमेंशंस. ठीक है, डायमेंशनल क्वांटिटीज या डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है ये डायमेंशन. तो देखो, फंडामेंटल यूनिट्स में हमारे पास जो तीन मेजर क्वांटिटीज है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द डेराइव्ड क्वांटिटीज या यूनिट्स बेस्ड है, दोज थ्री क्वांटिटीज आर मास, लेंथ एंड टाइम, एमएलटी. एमएलटी तुम्हारा भी दोस्त बनेगा क्योंकि ये बार बार तुम इसको यूज करने वाले हो, एमएलटी, मास, लेंथ और टाइम. मतलब ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, वो इन तीनों बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज से लीड होती है. ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज बाकी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को लीड करती है. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस है इनका. हाँ, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लूमिनस इंटेंसिटी, इनका इंपॉर्टेंस है, लेकिन मास, लेंथ और टाइम का जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उतना बाकी सारे फंडामेंटल यूनिट्स का नहीं है. तो एमएलटी एक पैरामीटर रहेगा जिसके बेसिस पे हम दूसरे डेराइव्ड यूनिट्स को समझ सकते हैं. ठीक है, अब जैसे कि मैं एक डिराइव्ड यूनिट की बात करूंगा, तो ये डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया. ठीक है, अब एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर. और ये मीटर कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, मीटर है यूनिट लेंथ का. मीटर किसका यूनिट है, लेंथ. मतलब जब मैं एरिया लिखता हूँ, एरिया, तो एरिया का अगर मैं डायमेंशन पूछूँ तो वो हो जाएगा एम ज़ीरो एल टू टी ज़ीरो. अभी इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहली बात, मैंने एरिया जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ मीटर स्क्वायर, उसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर तुम गौर से देखोगे तो वो एम, एल और टी के टर्म्स में है. एम क्या है, मास, एल क्या है, लेंथ, टी क्या है, टाइम. क्यों ये तीन लिया,
क्योंकि ये तीन मैंने तुम्हें अभी बताया कि दे लीड ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज आर द डायमेंशंस विच लीड ऑल द अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड मोस्ट ऑफ द डेराइव्ड क्वांटिटीज आर बेस्ड ऑन दीज थ्री डायमेंशंस, एम एल टी। अच्छा, एरिया में लेंथ के दो मल्टीपल्स हैं, मतलब मीटर स्क्वेयर, मीटर इंटू मीटर, तो लेंथ का जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, करेक्ट। मास का एक भी मल्टीपल नहीं है तो मास का पावर 0 हो जाएगा। टाइम का एक भी मल्टीपल नहीं है तो टाइम का पावर 0 हो जाएगा। मतलब जिसके मल्टीपल है उसके पावर में तुम एक नंबर लिख सकते हो, जितने मल्टीपल है उतने नंबर लिख सकते हो, और जिस जिस फंडामेंटल क्वांटिटी के कोई भी मल्टीपल नहीं है हमारे डिराइव क्वांटिटी में उसके पावर में आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, अब वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड याद रखना, ठीक है, इसको मैं मीटर अपॉन सेकंड भी बोल सकता हूँ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या इसमें मास है? वेलोसिटी में कहीं मास है? नहीं, तो m^0। लेंथ है? हाँ है। कितनी है? 1। मीटर के कितने मल्टीपल है? 1, तो लेंथ का पावर हो जाएगा 1। टाइम है? हाँ है, लेकिन टाइम डिनोमिनेटर में, इसलिए रेस टू क्या हो जाएगा? -1। तो ये क्या है? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये क्यों डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं? बिकॉज इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम विच फंडामेंटल क्वांटिटी दिस डिराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी इज डिराइव्ड, या फिर फ्रॉम ऑन विच फंडामेंटल यूनिट्स द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स, ठीक है। और एक बहुत कॉमन है, उसको लेता हूं मैं, फोर्स। फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट तुम बोलोगे न्यूटन है सर। न्यूटन तो है, लेकिन न्यूटन तो गिवन नेम है ना उसका, उसका एक्चुअल नेम क्या है न्यूटन का, पता है तुम्हें? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, याद रखना। अब इजीली मैं फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो निकाल सकता हूँ। के जी मतलब मास का एक फैक्टर, एक मल्टीपल है, m^1 हो जाएगा। मीटर लेंथ का एक मल्टीपल है, l^1 हो जाएगा। सेकेंड स्क्वेयर टाइम का, टाइम के दो मल्टीपल है लेकिन वो डिनोमिनेटर में, तो t^-2 हो जाएगा। m^1 l^1 t^-2, या फिर m^l t^-2। सो वॉट इज दिस? दिस इज बेसिकली द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स। ऐसे करके हम डायमेंशनल एनालिसिस को और डीपर समझ सकते हैं, और इसके क्या यूजेस है ये भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, जो मैं भूल रहा था, दैट वॉज थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, दैट वॉज वन फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट है कैल्विन, ठीक है। तो ये सेवेंथ वन था जिसको मैं भूल रहा था। एनीवेज, तो टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वी रिप्रेजेंट द फंडामेंटल क्वांटिटीज विथ स्टैंडर्ड सिंबल विच आर लिस्टेड एज फॉलोज। लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए लिया है वो लोग ने, आई नहीं लिया है, ठीक है। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर के लिए के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, कैंडेला बेसिकली, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। एंड टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला कन्वेंशनली, दीज अबाउ डिस्क्राइब्ड सिम्बॉल्स आर रिटर्न इन साइड स्क्वेयर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैंने स्क्वेयर ब्रैकेट नहीं डाले थे, जो मेरी गलती थी। तो बेसिकली ये जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, आई एम सॉरी, ये डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, उनको मुझे स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वेयर ब्रैकेट में लिख के रिप्रेजेंट करना है। दैट इज वन थिंग आई शुड कीप इन माइंड, ठीक है। When we use square brackets around a physical quantity, then it means that we are talking about dimensions of that physical quantity. ठीक है, तो ही समझ में आएगा कि हम dimensions की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद रख लेना। Although square bracket हमेशा use नहीं होते हैं, बट मैं तुम्हें insist करूंगा, textbook भी insist कर रही है कि भाई square bracket use करो, ठीक है। So dimensions of a physical quantity are the powers which are raised to the fundamental quantities in order to represent that physical quantity. मैंने तुम्हें पहले ही एग्जाम्पल से बताया। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स विच आर रेज्ड टू द
किसको रेज करते हैं पावर? फंडामेंटल क्वांटिटीज को। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? हमारी गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नोट दैट ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज मे नॉट बी इन्वॉल्व टू रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल इन मैकेनिक्स ओनली द फिजिकल क्वांटिटी, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम ओनली। जो मैंने अभी तुम्हें बताया मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स क्या होता है? सो मैकेनिक्स आता है क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली मोशन की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो इन्वॉल्व होती है, इट इज इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। व्हेन सम फंडामेंटल क्वांटिटीज डज नॉट अपियर इन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कैन से दैट करस्पॉन्डिंग डायमेंशन इज जीरो फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे फिर से वो एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि वो एरिया का ही एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। तो एरिया, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एक रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ ये दोनों के डायमेंशन एल, वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, ब्रेथ भी लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ वो अलग एक नाम दिया है उसको। तो बेसिकली एरिया में लेंथ के दो डायमेंशन है, एरिया हैज टू डायमेंशन इन लेंथ। कैसे बोलते हैं ये भी सीखो, एरिया हैज टू डायमेंशन इन लेंथ। वी ऑलरेडी नो दैट एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम। एरिया में मास का कोई काम नहीं, एरिया में टाइम का कोई काम नहीं, तो मास और टाइम का जो पावर है वो कितना हो जाएगा? जीरो। इट हैज जीरो डायमेंशन इन मास एंड टाइम। जीरो पावर मतलब जीरो डायमेंशन। अगर एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिखना है तो एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो होगा, और मास और टाइम का पावर इसलिए जीरो होगा क्योंकि एरिया में मास और टाइम के जीरो डायमेंशंस है। डायमेंशंस का भी कंटेक्स्ट समझ रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो बोलो? एरिया हैज टू डायमेंशंस इन लेंथ, एरिया हैज जीरो डायमेंशंस इन मास एंड टाइम, ऐसे बोलना सीखो। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल क्यूब, या फिर अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखना चाहूँ, एम जीरो, पहले एम लिखते हैं फिर एल लिखते हैं फिर टी लिखते हैं, एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी, मैंने तुम्हें ये भी एग्जांपल दिया था, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर का ऐसा यूनिट, मीटर का डायमेंशन है एल, सेकेंड्स का डायमेंशन है टी, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो एल टी रेज टू माइनस वन, या फिर एम जीरो एल वन टी माइनस वन प्रॉपर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ है वन और डायमेंशन ऑफ टाइम माइनस वन है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। एक्सेलरेशन ये भी मैंने तुम्हें बताया था, फोर्स ये भी मैंने तुम्हें बताया था, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, एंड आई एम श्योर कि अभी डायमेंशनल फार्मूला लिखना कैसे है ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, एटलीस्ट मैकेनिकल क्वांटिटीज या मैकेनिक्स में जो यूज होने वाली क्वांटिटीज है उसके कंटेक्स्ट में। आगे दूसरी क्वांटिटीज बहुत सारी आएगी, चलो एक एनर्जी का भी देखते हैं। सो एनर्जी क्या है बेसिकली? वी नो दैट वर्क डन एंड हेंस एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, या एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट। तो वर्क डन एंड हेंस एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फोर्स मल्टीप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे हम लोग ने इसको फिगर आउट किया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी रेज टू माइनस टू, एम वन एल वन टी रेज टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? एल रेज टू वन, इसमें एम और टी ये कुछ नहीं है। अच्छा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो बेसिकली क्या होगा पता है? एम वन मल्टीप्लाइड बाय एल वन मल्टीप्लाइड बाय एल वन मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू माइनस टू। तो ये जो L है, क्योंकि बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स के रूल लगेंगे यहाँ पे, L रेज टू टू हो जाएगा, T रेज टू माइनस टू हो जाएगा। दैट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी।
सो एनर्जी हैज, देखो लिखा कैसे है, बोलते कैसे ये भी देख लो. हेंस एनर्जी हैज वन डायमेंशन इज इन मास, टू डायमेंशन इन लेंथ एंड माइनस टू डायमेंशन इन टाइम. इन दिस वे वी कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेवरल अदर फिजिकल क्वांटिटीज एज शोन इन द टेबल. तो बहुत सारे भी टेबल आने वाले हैं, देखो फिजिकल क्वांटिटीज पूरा लिस्ट है. अगर तुमने कोई रेफरेंस बुक, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने खरीद ली है, तो अगर तुमने कोई रेफरेंस बुक खरीदी है तो उसमें ये इवन एनसीईआरटी में भी है, बट रेफरेंस बुक में काफ़ी इलेबरेटेड तरीके से सारे फिजिकल क्वांटिटीज, उनका रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब उनका फार्मूला बेसिकली, उनका डायमेंशनल फार्मूला और उनका एसआई यूनिट, ये सब लिस्ट किया हुआ है. अच्छा ये कितने हैं टोटल, मैं देख लेता हूँ अभी, सारे मैं पढ़ूंगा नहीं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा रेफरेंस है ठीक है. सो देर आर 96 क्वांटिटीज जिसके सारे डिटेल्स तुम्हारे बुक में होने चाहिए. इससे कम तो नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे तुम्हारे पास. मैं भी ये पीडीएफ चैप्टर ख़त्म होने पे तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, बट टिल देन अगर तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है तो उसमें चेक कर लो कि कितनी डायमेंशनल क्वांटिटीज है. ये सारे जो क्वांटिटीज है जिसमें लिस्ट किए गए हैं, दे आर टू बी यूज इन क्लास 11th एंड 12th. मोस्ट ऑफ देम आर टू बी यूज इन क्लास 11th एंड 12th, एंड ऑल्सो इन योर फ्यूचर स्टडीज यू माइट कम अक्रॉस मैनी ऑफ देम ऑल ओवर अगेन. तो ये सारे तुम पूछोगे सर ये क्या लर्न करना है, मैं बोलूँगा किसी हद तक इसको सबको ऐसा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. तुम डायमेंशनल फार्मूला किसी भी एक क्वांटिटी का डिराइव भी कर सकते हो अगर तुम्हें उस क्वांटिटी का फार्मूला पता है या रिलेशन पता है दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ. बट अगर तुम्हें फार्मूला नहीं पता है तो प्रॉब्लम में तुम आ सकते हो, बिकॉज तुम्हें पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कितने इंपॉर्टेंट है. इफ़ द न्यूमेरिकल्स आर नॉट पेड प्रॉपर हीट टू, देन आई थिंक यू आर इन ट्रबल एज फार एज वी आर कंसर्न विद फिजिक्स. सो हाँ, मैं बोलूँगा कि डायमेंशनल फार्मूला प्लस उसका ओरिजिनल फार्मूला प्लस उसका एसआई यूनिट प्लस वो क्वांटिटी का नाम, चारों जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है. तो एक बार गो थ्रू करना और गो थ्रू करते रहना. मैं तो बोलूँगा ये जो टेबल है इसको हैंडी होना चाहिए. अच्छा और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारा जो क्लास 11th और 12th का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए. एक तो अगर तुम्हारे पास एक वॉल है, वॉल सबके पास है ऑफकोर्स, बट तुम्हारे पास अगर अपना खुद का रूम है और उसमें एक वॉल तुम्हारी डेडिकेटेड वॉल है, तो उसमें तुम बहुत सारे चार्ट चिपका सकते हो ठीक है. एंड 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 दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग यार, अगर तुम ये प्रोजेक्ट के तरीके से लेते हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा. बिकॉज क्या होगा पता है, एक डेडिकेटेड वॉल चाहिए. इवन दो तुम्हारे पास खुद का रूम नहीं है या फिर तुम अपने सिबलिंग के साथ रूम शेयर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक डेडिकेटेड वॉल अपने लिए रखो. अच्छा ये पूरी सीलिंग तक तो वॉल नहीं चाहिए हमें, बट हाँ मोस्ट ऑफ द हिस्सा वॉल का मे बी लेट्स से 6 फीट बाय 6 फीट मिनिमम 6 फीट बाय 6 फीट चाहिए, जिसमें तुम अलग अलग चार्ट प्रिपेयर करके तुम उस पर पेस्ट करते रहो, चिपकाते रहो, या फिर एक 6 फीट बाय 6 फीट के एरिया को वो जो तुम्हारा जो नोटिस बोर्ड का जो मटेरियल होता है वैसे पिन बोर्ड टाइप का एक क्रिएट करो उसके ऊपर, खुद बनाओ यार, अभी तो तुम बड़े हो चुके हो, यू कैन मेक सम लिटिल प्रोजेक्ट्स लाइक दिस आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड ऑल. और तुम उस पर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो भी इम्पॉर्टेंट टेक्निक, जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले यू कम अक्रॉस इन योर डे टू डे लेक्चर्स और व्हेन यू आर डूइंग होमवर्क और विच एवर थिंग्स यू आर कमिंग अक्रॉस, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, मेक अ चार्ट अबाउट इट एंड पुट इट ओवर देयर ठीक है. अभी लॉकडाउन है, अभी पता नहीं कॉलेज कब खुलने वाली है, फिजिकली स्कूल कब खुलने वाली, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. तो तुम अपना टाइम ये क्रिएटिव वर्क में यूज़ कर सकते हो, एंड दैट्स माई सजेशन. आई थिंक अगर तुम ये करोगे इट विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प टू यू. जब तुम जैसे यू नो यू वॉच सम डिटेक्टिव शोज, वहाँ पे सारे एक वॉल पे सारे जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनका फोटोज होता है, एंड देन देर आर रेड कलर्ड थ्रेड्स कनेक्टेड फ्रॉम वन सस्पेक्ट टू अनदर सस्पेक्ट. जैसे कि एक मिनट गूगल पे सर्च करते देखते ये क्या बताता है गूगल इसके बारे में. सो दैट दैट्स रियली इंटरेस्टिंग है ना, दैट ऐसा अगर कुछ कर पाओ तो क्या होगा पता है, ये जो बोरिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स का, दैट विल बिकम मच इंटरेस्टिंग, दैट विल एक्चुअली बी मोर ऑफ मोटिवेशन फॉर यू कि हाँ यार आज चलो ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अलग करते हैं.
क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, लिखूं क्या, वो भी समझ में नहीं आ रहा है. डिटेक्टिव, वॉल ऑफ एविडेंस एंड वॉल स्ट्रिंग. यस यस, यही है कुछ. ये ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ अगर तुम बना पाओ, वो क्या है. ये लोग करते हैं यार, ये दीज आर लाइक आई डोंट नो वेरी जीनियस पीपल, मतलब जो कनेक्ट करते हैं ना चीज़ों से. तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है यार, तुम्हें ऐसा नहीं करना है. स्ट्रिंग क्राइम वॉल, ये देखो क्या क्या है यार. तो ऐसा नहीं करना है. मैं बोल रहा हूँ कि यू नो समथिंग लाइक दिस विच प्रेजेंट्स अ बिगर पिक्चर टू यू. ठीक है, एनीवेज एनीवेज, चलो ठीक है. मतलब तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड. थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और कुछ नहीं. डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन. अब हम लोग देखो, तुम्हें डायमेंशनल क्वांटिटीज क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी तुम्हारी क्लियर हो गई है. तो हम लोग अभी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाएंगे. डायमेंशनल इक्वेशन इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के इन टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन सिम्बॉलिक फॉर्म इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. ये तुम्हें नोट कर लेना चाहिए. द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करे, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी का. वी नो दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबॉल्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज रिटर्न इनसाइड स्क्वेयर ब्रैकेट्स. फॉर एग्जाम्पल, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया इज एम जीरो एल स्क्वेयर टी जीरो. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज एम जीरो एल टी रेज टू माइनस टू. फोर्स का ये है, एनर्जी का ये, सब हमने डिराइव किया हुआ है. वी कैन ऑल्सो राइट डायमेंशनल इक्वेशन बाई इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. अच्छा, तो डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखना है? डायमेंशनल इक्वेशंस आर रिटन बाई इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. एंड दीज डायमेंशनल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज. वी कैन राइट द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अबाउट डिस्क्राइब्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि एरिया. ये देखो, ये उसका डायमेंशनल इक्वेशन है. जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि फोर्स, जैसे कि एनर्जी, ये सारे डायमेंशनल इक्वेशंस है. याद रख लेना, नोट कर लेना इसको. ठीक है, देर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज इन फिजिक्स. यू मे ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ सम ऑफ देम, बट देर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन देयर करस्पॉन्डिंग चैप्टर्स. हेंस एट दिस स्टेज, रिमेंबर दिस, एट दिस स्टेज यू मे नॉट बी एबल टू डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, बट एट अ लेटर स्टेज वेन यू विल लर्न अबाउट दीज फिजिकल क्वांटिटीज इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, देन यू कैन ईजिली डिटरमाइन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी विद द कंसेप्ट लर्न इन दिस चैप्टर. तो यहाँ पे इस चैप्टर में तुम्हें कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है, स्टडी करना है, समझना है, सीखना है. और फिर आगे वाले हर एक चैप्टर में, याद रखना, हर चैप्टर में, आगे आने वाले हर चैप्टर में तुम जब नई नई फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड या फंडामेंटल तुम्हारे सामने तुम जब उसके बारे में सीखोगे, तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तुम्हें बनाना पड़ेगा, और वो बना के समझना पड़ेगा, और उसको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो वो जो 96 मैंने फॉर्मूले बताए, वो ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन द कमिंग 2 ईयर्स विल बी यू नो मेड अवेलेबल टू यू, एंड यू विल बी स्टडिंग देम स्लोली स्लोली, एंड सबको मेमोराइज करना पड़ेगा तुम्हें धीरे धीरे. ठीक है, बट उसका जो टेक्निक है वो इस चैप्टर में हम लोग सीखें. ऑलराइट, सो
from the analysis of dimensional formulae of physical quantities in given table, these physical quantities can be categorized as dimensional constants. ठीक है, हमने क्या किया यहां पे, ये लोग क्या बोल रहे, देखो, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन द गिवन टेबल दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज. ये जो टेबल में हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, टेबल नंबर 6 जो पहले 96 क्वांटिटीज वाला टेबल है, उसमें से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर सकते हैं इन द गिवन टाइप्स. व्हाट आर द टाइप्स? डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स. कुछ क्वांटिटीज होती है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट. दीज आर क्वांटिटीज विच हैव कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड हैव डायमेंशन. समझो इस बात को. कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है और उसके पास डायमेंशन भी होता है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऐसी एक क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में हम लोग मेजर करते हैं और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸. तो उसका डायमेंशन होगा, डायमेंशन क्या होगा, m0l1t-1, और उसकी वैल्यू होगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज 3 × 10⁸. करेक्ट. और उसका फंडामेंटल यूनिट भी होगा, डिराइव्ड यूनिट, आई एम सॉरी, दैट इज मीटर पर सेकेंड. और एक बताता हूं तुम्हें, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तुम्हें उस टेबल में मिल जाएगा. अच्छा, मैं और एक टास्क दे रहा हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है जरा इसके बारे में रिसर्च करो और ग्रुप में मेरे साथ शेयर करो. मेरे साथ नहीं, सबके साथ शेयर करो. ठीक है, ग्रुप में सबके साथ शेयर करो प्लैंक्स कांस्टेंट. आगे हम पढ़ने वाले इसके बारे में, इसका सिंबॉल क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशंस क्या होता है. ठीक है, और ये क्या काम की है, ये सारी चीजें एक एक, हर एक स्टूडेंट एक चीज बताएगा. कोई स्टूडेंट बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई स्टूडेंट बताएगा इसका सिंबल क्या होता है, कोई स्टूडेंट बताएगा ये कौन से साइंटिस्ट के किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी और इसको कौन से साइंटिस्ट से नाम मिला है, कोई स्टूडेंट बताएगा कि इसका यूज क्या है, कोई स्टूडेंट बताएगा इसका SI यूनिट क्या है, कोई स्टूडेंट इसकी वैल्यू बताएगा, कोई स्टूडेंट इसके डायमेंशंस बताएगा. ठीक है, ऐसे करके लेट अस मेक द ग्रुप मोर एक्टिव, लेट अस ऑल यू नो शेयर इम्पॉर्टेंट इनपुट्स फ्रॉम आर ओन नॉलेज. ठीक है, एंड द नॉलेज विच वी फाउंड ऑन गूगल. या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, वी कैन यूज इट. नॉलेज नॉलेज होता है यार, कहीं से भी मिले, सही नॉलेज होना चाहिए बस. ऑलराइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सबने क्लास 9th में पढ़ा था. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी. क्या है इसकी वैल्यू, 6.67 × 10⁻¹¹. इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. करेक्ट, तो ये भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है. एंड दीज आर ओनली सम डायमेंशनल कॉन्स्टेंट. ठीक है, और भी बहुत सारे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट तुम्हें मिल जाएंगे फिजिक्स में. ओके, कुछ और चीजें होती है, वो होती है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. ये हमारे टेबल में नहीं है, इसको टेबल में ढूंढने मत बैठना. तो ये फिजिकल क्वांटिटीज ही होती है विच हैव कॉन्स्टेंट वैल्यूज बट आर डायमेंशन लेस. डायमेंशन लेस मतलब इनको कोई डायमेंशन नहीं होता. मैथेमेटिकल कॉन्स्टेंट लाइक पाई, 1, 2 एक्सेट्रा आर ऑल डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट. मतलब नंबर्स, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट मतलब नंबर. फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है ये, इनकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता. ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये क्या होता है, डायमेंशनल वेरिएबल्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव वेरिएबल वैल्यूज. फिक्स वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल होती है, एंड हैव डायमेंशंस. जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी. अब एक बॉडी की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल होती है. एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा आर डायमेंशनल वेरिएबल्स. मोस्टली तुम्हारे टेबल में डायमेंशनल वेरिएबल्स आएंगे. डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव वेरिएबल वैल्यूज बट आर डायमेंशन लेस. इनका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता. फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ उनके मैग्नीट्यूड होता है लेकिन दे आर डायमेंशन लेस. फिजिकल क्वांटिटीज लाइक एंगल, लाइक स्ट्रेन एक्सेट्रा, एंगल स्ट्रेन ये सब डायमेंशनलेस वेरिएबल्स होते हैं. तो बेसिकली तुम्हारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये
डायमेंशंस के पर्सपेक्टिव में ये चार कैटेगरीज में हम लोग इसको बांट सकते हैं, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ठीक है? ऑलराइट, चलो आते हैं सॉल्व एग्जांपल्स पे, देखते हैं क्या है ये। नेम द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूले एज गिवन बिलो। वो मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले से फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, ये तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा इसको, मैं इसका SI यूनिट ढूंढूंगा। SI यूनिट अगर मिल जाएगा तो मुझे फिजिकल क्वांटिटी का कोई आइडिया जरूर आ सकता है। तो पहला वाला फर्स्ट क्या है, एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू, मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो सकता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ ना, kg मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ए सॉरी 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 सॉरी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ समझ गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। अब ये क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg किसका यूनिट है, मास का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का, और एम किसका यूनिट है, लेंथ का, मतलब डिस्टेंस का, डिस्टेंस एस, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, और मास इंटू एक्सेलरेशन ये तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। वेरी नाइस, हाँ मस्त है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर वर्क डन और एनर्जी। एम एल स्क्वेयर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सुना था, ये एम एल स्क्वेयर क्या क्या होता है यार, एम एल रेज टू माइनस ए मीटर, सॉरी एम तो मास होता है, मास इंटू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, अजीब है, बहुत अजीब है, देखते हैं। सेकेंड, नहीं सेकेंड तो इधर है, चलो सेकेंड, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला एम एल स्क्वेयर टी रेस टू माइनस थ्री। अच्छा ये एम कैपिटल है, एम मतलब मास होता है, एम एल स्क्वेयर टी रेस टू माइनस थ्री। तो ये हो गया तुम्हारा के जी इंटू मीटर स्क्वेयर इंटू सेकेंड रेस टू माइनस थ्री। अच्छा, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अलग कर देते हैं पहले, तो के जी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का SI यूनिट है, न्यूटन बेसिकली, ठीक है। और कितना मीटर बचा, एक, और कितना सेकेंड पर सेकेंड, पर सेकेंड इज 1 मीटर पर सेकेंड, या के जी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्या होता है यार, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मैंने पढ़ा हुआ है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज अगेन आई थिंक काइनेटिक एनर्जी। और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, समथिंग लाइक दैट, लेट मी चेक। हे फोर्स इट इज एनर्जी अपॉन टाइम, दे आर सेइंग पावर
Oh yes, force into velocity is power. It is power. It is absolutely. ये तुमने 10th ICSE ने इसको पढ़ा था 10th क्लास में, और CBSE वालों ने इसको 9th में पढ़ा। इंटरेस्टिंग यार। चलो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला बहुत अजीब लग रहा है। एम एल स्क्वेयर, अरे यार एम कैपिटल है। ओके एम एल स्क्वेयर, एम इज के जी इंटू एल स्क्वेयर दैट इज मीटर स्क्वेयर। ये क्या है यार, ये क्या हो सकता है? के जी मीटर स्क्वेयर क्या हो सकता है यार? एम मास होता है, एल स्क्वेयर ये क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एम एल स्क्वेयर, के जी मीटर स्क्वेयर क्या होता है? के जी मीटर स्क्वेयर मास इंटू एरिया हो सकता है ये। मास इंटू एरिया, ये क्या होता है मास इंटू एरिया? नो आई एम नॉट एबल टू गेट इट मैन। लेट्स चेक, लेट्स चेक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वेयर, ये तुम पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 5 में, 11th। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना इसको। तुम टेबल का यूज कर सकते हो अभी, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उल्लू का पट्टा हूं। तुम कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे एक्चुअली पहले ही टेबल देखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि बहुत सारी क्वांटिटीज तुम इन द ड्यू कोर्स पढ़ने वाले हो, बट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। एम एल टी रेज टू -1 इज लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स, मास इंटू वेलोसिटी। हाँ ये हमने 9th में पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम, एम एल टी रेज टू -1। ठीक है, सो ऐसे करके क्वेश्चंस तुम्हें आ सकते हैं डायमेंशंस के ऊपर। अच्छा, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटीज। यंग्स मॉड्यूलस तुम्हें याद है? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले चैप्टर के एक फाइनल वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में पढ़ा था। एफ एल अपॉन ए एल, फोर्स, एक्चुअल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम एल टी रेस टू -2, ये फोर्स का है करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय एल लेंथ। एरिया क्या, एरिया का है एल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एल। सही है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा? नीचे एक एल है ना, ये ऊपर आ जाएगा। M1 L -1 T -2, M1 L -1 T -2, लेट्स चेक। M1 L -1 T -2, परफेक्ट। देखो वही है, ये तुम पढ़ोगे 11th क्लास में सेकेंड पार्ट ऑफ द फिजिक्स में। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। अब बिकॉज दीज टू आर न्यू क्वांटिटीज फॉर यू, तो तुम इसका फॉर्मूला देख सकते हो टेबल से। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला है, इससे तुम डायमेंशनल निकाल सकते हो उसका क्या है। सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन लेंथ, इससे उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला देख के उसका डायमेंशन बिल्ड कर सकते हो, एंड फोर्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो बेसिकली यू विल नीड फॉर्मूले फॉर दैट। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर तुम्हें आएंगे एक्सरसाइज में, तो आई रिकमेंड दैट यू फर्स्ट फाइंड द फॉर्मूला फॉर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड देन फाइंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और ये जितने भी फॉर्मूला तुम देख रहे हो, ये सब तुम्हें आगे 11th में कुछ चैप्टर्स में तुम पढ़ने वाले हो। सो डोंट वरी कि अभी मुझे लर्न करना है, आगे करना है कि नहीं। आगे करोगे तुम तो चलेगा, अभी लर्न नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो सेम चीज़ है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, स्पेसिफिक हीट, एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्टेफन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसमें से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ने वाले हो। स्पेसिफिक हीट शायद आईसीएसई के बच्चों को पता हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी होता है इसका फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू, क्यू होता है ना इसका, क्यू 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 इज द क्वांटिटी ऑफ हीट शायद। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, करेक्ट, यही है शायद फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसका डायमेंशन ढूंढते हैं। एम है, एम मतलब मास,
तो कैपिटल एम आ जाएगा। सी, हे सी इज स्पेसिफिक हीट। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू तो हीट है, सी है स्पेसिफिक हीट। तो इसको ना मैं फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा टी अपॉन एम। ठीक है, तो क्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूँ एनर्जी क्या था, वर्क डन राइट। तो एम एल स्क्वेयर टी रेज टू माइनस टू। एम हीट इज एनर्जी राइट, एम एल स्क्वेयर टी रेज टू माइनस टू। ये डेल्टा टी, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का रहेगा के, ठीक है, अपॉन मास का रहेगा एम, डायमेंशन। सो एल स्क्वेयर टी रेज टू माइनस टू के, ये है स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन। लेट्स चेक करेक्ट है कि नहीं। एम जीरो एल स्क्वेयर टी रेज टू माइनस टू के रेज टू माइनस वन। फॉर्मूला चेक करते हैं, फोर्स इंटू सॉरी वर्क अपॉन मास स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट अपॉन एम सी डेल्टा टी। सही तो है यार, यस 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 यस। डेल्टा टी जब शिफ्ट होगा तो वो क्यू के डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब एम डेल्टा टी हो जाएगा, एम डेल्टा टी। एम तो ये की के नीचे लिखेंगे हम लोग, के को नीचे लिखेंगे, के को नीचे लिखेंगे और के रेस टू माइनस वन लिखेंगे, और एम जीरो रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब तुम पढ़ने वाले हो, अभी स्ट्रेस मत लो इसके बारे में। बाय द यूज ऑफ डायमेंशन शो दैट एंगुलर मोमेंटम हैज सेम फिजिकल यूनिट्स एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। वो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि यू हैव टू डू सम डेरिवेशन, बट वॉट इज एंगुलर मोमेंटम? पहले तो बताओ मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम मैं तुम्हें बताता हूँ, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बेसिकली। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो तुम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाम है चैप्टर का, एंगुलर मोमेंटम ये होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वर्ड आया इसलिए यहां पे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है दैट इज ओमेगा, और ओमेगा को हम लोग मेजर करते हैं रेडियंस पर सेकंड में, रेडियंस पर सेकंड। मास का ऐसा यूनिट केजी है और ओमेगा का है रेडियंस पर सेकंड। अब रेडियंस है ऐसा यूनिट एंगल का, लेकिन इट इज अ डायमेंशनल डायमेंशनलेस कांस्टेंट मेरे हिसाब से। तो पर सेकंड काउंट होगा, मास काउंट होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिकली डायमेंशंस होगा वो होगा एम वन, एल रेडियंस पर सेकंड है तो एल जीरो रहेगा, एंड टी माइनस वन। एम वन एल जीरो टी माइनस वन। अच्छा, यही डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट का भी है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में जब तुम थोड़ा सा रिसर्च करोगे, यू विल फाइंड दैट इट हैज द सेम डायमेंशंस। लेट्स चेक पहले एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम है कि नहीं। एम वन एल जीरो टी माइनस वन, नहीं, एम वी आर। ओके, सो दे हैव टेकन इट एज एम वी आर। यस, यू कैन नॉट टेक, यू हैव टू एक्चुअली सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला फॉर ओमेगा, यू कैन नॉट राइट इट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, सो हाँ मेरी गलती है। सो बेसिकली ओमेगा का फॉर्मूला है लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ओमेगा इज इक्वल टू वी इन टू आर। सो एम वी आर,
रेडियस का अगेन डायमेंशन होता है लेंथ, तो एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस वन. सो दिस इज बेसिकली द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का ये लोग ने यहाँ पे डेरिवेशन लिखा है और दोनों का डायमेंशन सेम. टेकिंग वर्क चार्ज एंड फ्रीक्वेंसी एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है. टेकिंग वर्क चार्ज एंड फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, वर्क चार्ज और फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल यूनिट बना दो और तुम्हें डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ढूंढना. ठीक है, हो जाएगा. तो वर्क का सिंबल W मान लेते हैं, वर्क का सिंबल मान लेते हैं W. ठीक है, चार्ज का सिंबल मान लेते हैं Q और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या काम है, का सिंबल मान लेते हैं F. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I. फ्रीक्वेंसी का क्या काम है अभी भी नहीं समझ में आ रहा. रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. अच्छा, सो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, ये वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू अपॉन आई. आई का कोई, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो सकता है. यस 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 यस, आ रहा है आ रहा है, समझ में आ रहा है. तो तुम्हें पता होगा कि डब्ल्यू, वी की वैल्यू है डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज, और करंट की वैल्यू है क्यू बाई टी. ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, ये क्यू नीचे आ जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा. सो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन क्यू स्क्वेयर. ठीक है, अच्छा टी क्या है, टी इज नथिंग बट टाइम, टी इज टाइम, टाइम पीरियड इज वन अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वेयर. तो डन हो गया, हो गया. सो द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस आर W 1 F माइनस 1 Q माइनस 2. लेट्स चेक W 1 F माइनस 1 Q माइनस 2. W 1 V माइनस 1, हाँ V, फ्रीक्वेंसी कुछ लोग V भी लिखते हैं, इट्स एक्चुअली न्यू ग्रीक लेटर. Q माइनस 2, स्मॉल Q लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. W 1, V माइनस 1 या F माइनस 1, Q माइनस 2. परफेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट है, नेल्ड इट. टेकिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज C, उसका सिंबल है C, वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उसकी वैल्यू और उसका सिंबल और उसका ऐसा यूनिट. डेंसिटी, डेंसिटी इज रो. ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी F, या फिर हाँ F ही लिखता हूँ मैं. कुछ कोई क्राइम नहीं है. ठीक है, कुछ बुक्स में फ्रीक्वेंसी को F, कुछ में V लेते हैं, न्यू लेते हैं, आई एम सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन. ओ हो हो हो, सरफेस टेंशन कैसे करेंगे इसको. देखो, ये इसकी जो ओरिजिनल डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट इज एम जीरो एल वन टी रेज टू माइनस वन. ठीक है, क्योंकि ये स्पीड है बेसिकली. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो एम जीरो वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, एम जीरो एल माइनस थ्री, मास अपॉन वॉल्यूम, एम वन हो जाएगा. एक मिनट, एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी
हो जाएगा एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी माइनस वन. सो दीज आर बेसिकली द डायमेंशनल द प्रॉपर डायमेंशनल फार्मूलाज ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज. अब इनको हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लेना है, मतलब सी रो और एफ. स्पीड ऑफ लाइट, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सरफेस टेंशन दैट इज आई थिंक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है, एक फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ है, आई एम सॉरी, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ. इसका डायमेंशन हमें इसके टर्म्स, सी रो और एफ के टर्म्स में निकालना है, ठीक है. सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स क्या है? फोर्स है एम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, राइट. एम वन एल वन टी रेस टू माइनस टू, और लेंथ है एल रेस टू वन. ओके, हमारे पास सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल रेस टू वन तो कैंसिल होने वाला है, ये हम जानते हैं. केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, करेक्ट है. ऑलराइट, तो डेंसिटी के लिए हमें चाहिए एम वन एल रेस टू माइनस थ्री. एम वन एल रेस टू माइनस थ्री, एम वन तो है मेरे पास, एल रेस टू वन है, तो एल रेस टू माइनस थ्री कैसे आएगा? अगर एल रेस टू माइनस थ्री लाना है तो नीचे भी एल रेस टू माइनस थ्री लिखना पड़ेगा, ठीक है. ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है. दूसरा, चलो लिखते हैं, चलो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं. सरफेस टेंशन का जो इश्यू है उसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं. तो मैं लिखता हूं पहले डेंसिटी के फॉर्म में, एम वन, ठीक है, एल रेस टू माइनस थ्री, ठीक है, टी रेस टू जीरो, ये हो गया डेंसिटी. अब क्योंकि मैंने डेंसिटी डाला और एल रेस टू माइनस थ्री डाला है, मेरे पास एल रेस टू वन है और मुझे एल रेस टू वन और एक चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम जीरो कि मुझे थोड़ा इसमें इश्यू आया, बट हाँ ये क्रैक कर लिया है मैंने. तो बेसिकली मैंने देखा सरफेस टेंशन में, इफ़ वी पुट द फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज एम वन एल वन टी रेस टू माइनस टू अपॉन एल वन, एल वन एल वन तो कट जाता है, तो ये हो जाता है एम वन एल ज़ीरो टी माइनस टू. मुझे ये एम वन एल ज़ीरो टी माइनस टू को स्पीड ऑफ लाइट, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फार्मूला में लेके आना है. बेसिकली ये तीन डायमेंशनल फॉर्मूला में लेके आना है. तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आई थिंक इट टुक मी 5 मिनट्स. तो मैंने क्या किया इसमें, मैं समझा देता हूँ ताकि यू ऑल्सो स्टार्ट हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू थिंक लाइक हाउ आई हैव थॉट. तो मैंने यहाँ पे लिखा है एम रेस टू वन एल रेस टू माइनस थ्री एंड टी रेस टू जीरो. ये किसका डायमेंशन है? ये डायमेंशन है डेंसिटी का. तो मैंने पहले डेंसिटी का डायमेंशन क्यों लिखा? मैंने डेंसिटी का डायमेंशन इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सरफेस टेंशन के डायमेंशन में एम का पावर वन है. अब ये दोनों में, ना तो सी में ना तो एफ में, एम का पावर वन किसी में नहीं है, सिर्फ डेंसिटी में. तो डेंसिटी का डायमेंशन तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में आएगा. अच्छा, एल का डायमेंशन अब हो गया माइनस थ्री,
मेरे फाइनल फॉर्मूला में एल का डायमेंशन 0 है, तो बेसिकली मुझे एल का डायमेंशन चाहिए +3। तो इसमें एल का डायमेंशन +3 किसको बना सकता हूँ? मैं इसको बना सकता हूँ +3। कैसे? पूरे को क्यूब करके, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशन को अगर मैंने क्यूब कर दिया, दैट इज एम रेज टू 0 L1 टी रेज टू -1 को क्यूब कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा एल का डायमेंशन 3। 3 और -3 कैंसिल होके एक साथ 0, एल का डायमेंशन 0 हो जाएगा। तो ये भी अचीव हो गया, ये भी अचीव हो गया। अभी टी रेज टू -2 चाहिए। अब देखो यहाँ पे टी रेज टू -1 है, उसको क्यूब करेंगे तो टी रेज टू -3 हो जाएगा। मुझे -2 बनाना है, तो बेसिकली मुझे टी का पावर 1 ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँ तो ऊपर जाके ये M0L0 टी रेज टू 1 हो जाएगा, और ये टी रेज टू -3 टी रेज टू 1 टी रेज टू -2 बना देंगे। तो ये सारे यहाँ पे प्रॉपरली फिट हो जाते हैं। सो बेसिकली सरफेस टेंशन के डायमेंशन अगर हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखने हैं, तो इट विल बी लाइक, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इट विल लुक लाइक सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, ठीक है, पहले लिखेंगे हम लोग डेंसिटी, दैट इज रो, फिर हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट सी रेज टू 3, रो रेज टू 1, सी रेज टू 3, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी तुम्हारा डिनोमिनेटर में है तो फ्रीक्वेंसी रेज टू -1, रो 1 सी 3 एफ रेज टू -1। लेट्स चेक, रो 1 सी 3 एफ रेज टू -1, परफेक्ट। ठीक है, समझ में आया कैसे वो लोग कैसे किया है, कैसे मैंने बताया तुम्हें? आई डिड नॉट सी हेयर के वो लोग ने कैसे किया है, मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है ये। मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर मेथड। ठीक है, वो लोग ने एम एल और टी को स्पीड ऑफ लाइट रो और फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में लिखा है, एंड एंड देन दे हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू। या मे बी यू कुड हैव डन दैट। ये मेथड भी मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, इसको मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, सो दिस दिस मच ओनली फॉर टुडे। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।